हेलो, हाँ जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हुआ मस्त कॉफी पी रहा था। तुम बताओ क्या कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, पूछो, तुम्हें कॉफी इतनी क्यों पसंद है? तुमने कभी ये पूछा है तुम मुझे इतनी क्यों पसंद हो। पूछा तो बहुत बार है, तुम मुझे बताते ही नहीं हो कभी। चलो आज मैं ये भी जवाब देता हूँ, मुझे कॉफी क्यों पसंद है। मैं क्यों पसंद हूँ? दोनों के जवाब दोनों का दे जवाब दो। देता हूँ। कॉफी इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुझे पसंद है, क्यों इसलिए वो पसंद है? मुझे वही तो पसंद मैं है पूछ रही हूँ, क्यों पसंद है कॉफी? क्योंकि वो पीने में अच्छी लगती है मुझे। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पसंद ना, इसीलिए मैंने एक दो बार पी है, पर मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सीरियसली तुम्हें इसलिए। कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं पसंद है। अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कॉफी इतनी क्यों पसंद है कि आप नहीं, कभी कॉफी के लिए मना नहीं करते हो? मुझे कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी लगती है कॉफी। अब बात रही तुम्हारी, तुम मुझे इसलिए पसंद हो बिकॉज तुम अच्छी हो। जैसे कॉफ़ी है ना, वो अच्छी है इसलिए मुझे पसंद है। कॉफी का टेस्ट कैसा आता है? मस्त देखता हूँ, मतलब कैसा आता है? खट्टा, मतलब मीठ, चॉकलेटी, हल्का चॉकलेटी हल्का आता है, हल्का हल्का हल्का। चॉकलेटी। तो कॉफी में भी एक क्वालिटी हुई ना कि वो चॉकलेटी टेस्ट देती है, तो मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि बता रहा मैं हूँ ना, आपको पसंद तो बता रहा हूँ ना। सबसे पहले तो तुम अच्छी हो, अच्छी क्यों हूँ? यही बता रहा पूछ हूँ, रही हूँ, अच्छी क्यों हूँ वही मैं? बता रहा। तुम अच्छी इसलिए हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे तुम बात करती हो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। खाना बहुत अच्छा बनाती हो, हाँ कभी कभी थोड़ी खराबी कर देती हो खाने में, बट ओवरऑल अच्छा बना लेती हो। सबसे बड़ी बात, ट्राई करती हो, कुछ नया खाने के लिए लाता हूँ, ट्राई करती हो, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना, कुछ अच्छा बना देती हो, बढ़िया नहीं आता फिर भी नेट वेट से देख के अच्छा बना देती हो, ऐसे मेरी मम्मी की तरह। और दिखने में मस्त लगती है एकदम, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। छोटी सी। नो मतलब थोड़ी हाइट कम है ना तुम्हारी, मतलब क्यूट वे में बोला है, छोटी सी। अच्छा, समझ गई, क्यूट वे में बोला। बाकी छोटी सी प्यारी सी। नहीं मुझे कोई मेरी हाइट पे रिग्रेट नहीं है कि मेरी हाइट कम। रिग्रेट तो मुझे भी नहीं है, मैंने ऐसा बोला, छोटी सी प्यारी सी अरे, क्यूट वो सी तो मुझे अच्छी सी पता है कि लगती आपने नहीं बोला, पर मैं बता रही हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट है। नहीं है। और तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, ओवरऑल तो पूरी अच्छी लगती है। और एक्चुअली पता हूँ क्या, तुम मुझे ही नहीं, तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी तुम अच्छी लग सकती हो। वो तो शुक्र, मेरी किस्मत अच्छी है, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ करी। आपने फाइनली आज मुझे बता दिया कि आप मुझे इतना पसंद क्यों करते हो। बस, अच्छा, आपने मुझे फर्स्ट टाइम आई लव यू बोला था, तब तो आपने क्या सोचा था? मतलब आपके माइंड में क्या थॉट आया था? मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आया था, कुछ तो आया होगा। अच्छा क्योंकि जब अच्छा मैंने चलो, तुम्हें देखा था, जब आई लव बोला था, तो मैं थॉटलेस था, तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, अच्छा बस मेरी एक आंखों के सामने तुम थी, दिल में आई लव यू था अच्छा ना, एक बस। सच एक एक बात पूछती हूँ आपको, ऑनेस्टली सच सच बतानी पड़ेगी, बट वो मैं सच तुमसे सच्ची सच बोलता हूँ, जो मैं बात पूछने वाली हूँ, वो वाला आपको ऑनेस्टली रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मैंने बोला तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता जब आपने मुझे फर्स्ट बार देखा, फर्स्ट टाइम देखा था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाला फर्स्ट मैं टाइम, फर्स्ट टाइम समझ गया, तब फर्स्ट आपके टाइम माइंड में क्या थॉट था? मतलब कुछ तो, एक कुछ ऐसी तो बात होगी जो मन मन में आई होगी, सडन वाली बात आई होगी। तुमने बोला सच सच बताऊँ, तो मैं सच 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 बताना चाहता हूँ, सच बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। अब अगर तुम बोलती कि झूठ बोल दो, अच्छा, तो तो मैं सेकंड टाइम, चार रोमांटिक लाइनें बता देता, बट तुमने बोला सच सच बिल्कुल बता, तो सच सच बताऊं तो बहुत पुरानी बात है, मुझे हल्का सा भी याद नहीं, सेकंड टाइम इतना याद नहीं मुझे, तो ये भी याद नहीं सेकंड टाइम कब मिले। मैं बोलता रहूँ इतनी पुरानी बात मुझे कल याद क्या नहीं, याद रखते हो तुम? कल क्या खाया था ये याद है तुम्हें? सीरियसली बोलूँ तो मुझे ये भी नहीं याद। इस दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, फिर कल घर में बना गया था। देखो मैं बताऊँ, देखो मैंने सुनो जब मेरी तुम्हें बात, फर्स्ट सुनो टाइम मेरी देखा बात, था, याद करने के लिए ठीक है, बातें स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर फीलिंग्स हैं जो तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगी, और जो अभी हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, बढ़ती जाएंगी। बाकी तुम सोचो कि मैं रोबोट बन जाऊँ, मोबाइल बन जाऊँ, मेमोरी कार्ड बन जाऊँ, चीज़ें याद रखूँ, वो तो फिर नहीं बेकार है मैंने मुझसे ऐसा नहीं उम्मीद बोला। रखना। देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जब तुम चार मोबाइल पाँच बन साल पुरानी जाओ। बात तुम पूछ रहे हो, फर्स्ट टाइम देखा था, अरे मुझे नहीं याद भैया, तुम्हें नहीं, याद है, हाँ बताओ। मुझे याद है कि आप ब्लैक शर्ट में थे, जींस पहने हुए थे,
और आपके ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कलर के शूज़ आप पहने हुए थे, मतलब मैंने आपको फर्स्ट टाइम दूर से देखा था तो मेरा थोड़ा सा ये, मतलब मेरे मन में ये था कि हल्का सा स्ट्रिक्ट है ये बंदा, और शायद टाइप मुझे पता यार चल गया यार था। ये ना मुझे बहुत लोग कह चुके हैं। एक्चुअली मेरे ना दोस्त कम है, जैसे कि तुम्हें पता है, ठीक है ना, कॉलोनी में ज़्यादा दोस्त रखता नहीं हूँ, जिम में भी नहीं रखता हूँ, मेरे दोस्त बहुत कम है। तो मुझे खुद लगता है कि यार ऐसा क्यों, आखिर मेरे दोस्त कम क्यों है, ठीक है ना, जबकि मैं सबसे अच्छी तरह बात करता हूँ। तो ये चीज़ ना मुझे 3-4 लोगों से सुनने को मिल चुकी है कि यार जब फर्स्ट टाइम तुझे देखा था ऐसा लगा यार बड़ा एटीट्यूड होगा इसमें, तो रूड बंदा होगा, ये होगा वो होगा, मतलब बात नहीं करेगा ढंग से, बट ये जब बात की तो पता चला रहे तो बहुत सही बंदा है। मैं बताऊँ ऐसा क्यों लगता है किसी को देख के आपको? क्यों, तो आप अगर अपने अंदर चीज चेंज करना चाहते हो, मतलब आपको मेरे करनी चेहरे पे ही स्माइल नहीं रहती है ना? नहीं, या आपको चीज चेंज करनी चाहिए। अगर देखो आप फर्स्ट तो आपने खुद ही गैस कर दिया कि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं रहती है। अगर आप जैसे कि आप बगल में आपके नेबर हैं, नेबर से भी मुझे नहीं लगता आपकी आप बात करते हो, नहीं दूर वो दूर तो तक बात आपका करने लायक भी नाम नहीं है। नहीं। फिर भी एक होता है ना कि नेबर से थोड़ा बॉन्ड रहना चाहिए क्रिएट वाला, हाँ मुझे नहीं उतना लगता। है, नहीं उतना हाय हेलो है बस, नहीं हाय हेलो भी हाँ, नहीं है देखो मेरे, अगर कोई सामने से आपको देख के स्माइल कर रहा है तो आप स्माइल कर सकते हो, मैं स्माइल करता पर हूँ, ठीक कोई है सामने आपके देख के अंदर स्माइल ही नहीं करता ना, तो प्रॉब्लम ये है। आप भी तो कर सकते हो फर्स्टली मैं ट्राई ऐसा। करता हूँ, आप देखो क्या हुआ, मैं बताता देखो हूँ। मैं एक अच्छा और तुम बात पहले बताऊं, चाहिए बता दो। और सेकंड ये कि अगर आपसे कोई कोई चीज़ पूछा, जैसे मैंने आपसे फर्स्ट टाइम मिली, मैं आपसे कोई एक चीज़ मैंने अरे आपसे बातों पूछी बातों में एक चीज़ तो रह गई यार, क्या बातों बातों में बहुत मैन चीज़ रह गई, क्या रह गई? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हें बताने भूल गया कि तुमने ब्लैक ड्रेस में अपनी पिक भेजी थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। थैंक यू सो मच, आपको मेरी याद आ रही तुम्हारे को थी। ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है यार। अच्छा थैंक यू सो मच, हम मुझसे बात कर रहे थे, आपकी याद मैंने मुझे। तुम्हारे लिए ना एक मस्त सी ड्रेस देखी है, सोच रहा हूँ वो ऑर्डर कर लूँ तुम्हारे लिए, बट फिर मैं सोचा यार ऑनलाइन ऑर्डर करना बेकार है, किसी दिन मिलेंगे बाहर चलेंगे तब दिलाऊंगा। वैसे जब अभी मुझे ड्रेस की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास हर बहुत चीज़ सारी। जरूरत के लिए थोड़ी होती है पागल इंसान, हाँ कुछ हाँ तो चीज़ें खुशी मतलब के लिए होती खुशी हैं। के लिए होती है, पर मेरे पास खुशी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस रखी हैं अभी। वो मैंने तो लाई है, हाँ वो आपने दिलाई है वो भी रखी है। तो नहीं वो पहले पुरानी मैं, हो गई ना। अरे तो ड्रेस तो है ना, वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, वो अभी वो पहन के अच्छे से मैं तो इस्तेमाल मेरा कर मन रही है ना हूँ, तुम्हें कुछ दिलाने का। तो बाद में दिला लेना। हाँ मैं एक चीज़ बोल रही थी, ये चीज हो ये सकती चीज़ है। बोल रही थी चेंज करने के लिए। हाँ जी बताइए। तो अगर आपसे कोई कोई एक कोई बात पूछता है, फिर कोई क्वेश्चन करता है, तो आपके अंदर सबसे बुरी गंदी आदत ये है कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपको कोई बात पूछ रहा है, तो आप सिर्फ उसी का आंसर देते हो। आपके माइंड में आपको दूसरी बात भी आती है तो आप वो नहीं पूछते हो, वो एक का आंसर दे के आप अपने घर के अंदर या फिर आप जब यहाँ पे जा रहे होते हो आप वैसा कर देते हो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं करता हूँ। करते हो आप, अच्छा करते ठीक हो है आप। शायद कर, नहीं तो देखो ये ये वाली तो, चीज़ अगर आप अपने ये तो अंदर, बात रही ना कि बात करने की, बट एक्चुअल में कोई मुझसे बात करता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि ये तो जवाब ही नहीं देगा, रूड बिहेवियर होगा इसका, उसका क्या करूँ मैं समझ में नहीं आती हाँ मेरी तो वो पर्सनैलिटी, आई थिंक मुझे लगता है ना, ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपने अपनी तुमने भी तो अभी पर्सनालिटी, बताया, आपने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना रखी है। मैंने नहीं बनाई भाई, चेहरे पे थोड़ी सी रहती ही ज़्यादा नहीं है नहीं मेरे को। तो थोड़ी सी रखनी चाहिए। हम किसी को देख रहे हैं या फिर कोई किसी से आई कांटेक्ट भी हो रहा है तो तो मैं स्माइल आप, कर देता हूँ, नहीं आपका किसी से अब आई देखो कांटेक्ट हो अब रहा है इसका भी एक तो सीन है ना, अब देखो क्या? कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई लड़का मुझे देख रहा है, कोई लड़की देख रही है, आई कांटेक्ट हुआ, अब एकदम से स्माइल कर दूँ तो वही बड़ा चीप सा लगता है, इसलिए फिर मैं करता नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक बार में उसने देखा और एक बार में आपने स्माइल कर दी। अगर वो इंसान आपको 2-3 बार देख रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वो इतने आपको में तो अटेंशन स्माइल दे कर रहा देता है, हूँ फिर मैं, आपको वो अटेंशन दे रहा है, तो आपको स्माइल करनी चाहिए। अरे मैं खुद जाके बात भी कर लेता हूँ इतने देर में नहीं तो। मुझे नहीं लगता कि आप बात करते हो, मुझे पता है कि आप कितने इंट्रोवर्ट हो, कितने शाई हो, कि आप खुद उसकी जाके बात क्लासेस लेनी करते हो। पड़ेंगी लगता है। और आप, मुझे नहीं लग, मुझे ये भी लगता है कि शुरुआत में मैं जितनी आपसे बात करती थी उतना ही आप शर्माते थे। कहता हूँ वो मुझे बात इसकी अलग है, क्लासेस लेनी वो पड़ेंगी। बात अलग है कि अब आप मुझसे इतनी बात कर लेते हो कि कहीं ना कहीं से आपकी शर्म दिखती भी नहीं है। कैसी ऐसी बात नहीं है, बात है, मतलब आपको अभी मैं भी तो मुझसे शर्म आती है बात नहीं, करने में? मैं क्या सोच रहा था ना, क्या सोच रहे थे, अभी भी कुछ सोच रहे थे? बताइए। हाँ कि ब्लैक ड्रेस तो है तुम्हारे पास, बस ब्लैक ड्रेस हाँ है। तो तुम्हें साथ में ले जाऊँ, और जो तुम्हें पसंद हो ना ड्रेस, वो वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है ना, वहाँ पे चेंज करके तुम देखो फिर तुम्हें दिलाऊँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं ले आता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, सही नहीं निकलती यार फिर, हाँ किसी का फैब्रिक अच्छा नहीं होता। किसी की फिटिंग नहीं आती तुम्हें, किसी का कलर अच्छा नहीं लगता, किसी की डिजाइन, किसी का बिकॉज कुछ। मैं आपकी पसंद, तो सिर्फ आपकी पसंद, सिर्फ मुझे ही पसंद करने में अच्छी है। हाँ मैं आई नो, मैं जानता हूँ मेरी खुद की पसंद कपड़े में बहुत गंदी है,
हाँ कपड़ों में क्या, मुझे एक्चुअली मेरी बहुत चीज़ों में पसंद मेरी गंदी है, नहीं, सिर्फ आपने एक मुझे ही ऐसी ये कि मुझे ही पसंद किया उसमें जो भी मैं मैंने अच्छी हूँ। गलती कर दी, मुझे लगता है वो गंदी चीज़ पसंद कर दी। क्या आपको लगता है ना, जरूरी थोड़ी हर चीज़ जो आपको लगे वही सही हो। हाँ ये भी सही है, बट अभी मुझे एक चीज़ लग रही है जो बिल्कुल सही है, क्या वहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं हो सकता हूँ मैं। भूख, भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, उस चीज़ में मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। 24 घंटे में से कितनी बार आपको भूख लगती नहीं है? अभी तो लग जब रही भी है, आप मुझसे बात करते हो तो आप यही कह के फ़ोन काटते हो कि अब मुझे भूख लगती है, सही में अब भूख मुझे लग रही प्यास है। लग रही है, अब मुझे कोई बुला रहा है, मुझे मेरे दोस्त के पास आना है, एक्चुअली कॉल आ रहा भूख है। इसलिए लग रही है कि तुम्हारे हाथ का मैंने उस दिन खाना खाया था ना, उसकी याद आ गई बातों बातों में यार। तो यार अगर इंसान को बहाना बचाना हो तो वही थोड़ा रियलिटी बहाना नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, वाला बहाना बचाया करो ना, ऐसे सही छोटे बोल रहा छोटे हूँ, सही बहाने में, क्यों बचाते हो। अच्छा सही में भूख लग रही है। चलो, आपको भूख लग रही है, आप खाना खा लो, चलो बाद में अच्छा बात करते। कुछ अच्छा सा बना के ले आते हैं यार, मतलब जब भी मिलो कुछ अच्छा, क्या लाओगे सो बना के क्या खाओगे आप? ले आना, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना के देखो अच्छा सा क्या खाना है, आप मुझे डिश का यार। नाम मुझे बस बता इतना दो। होता है कि अच्छा सा चटपटा स्पाइसी सा कुछ खाने मिले, अब नाम वाम नहीं पता मुझे, अपने मन से कुछ बना ला ना स्पाइसी सा बढ़िया सा पास्ता खाओगे? तो यार। पास्ता नॉर्मल ही इंसान कभी खा लेता है, क्या खाओगे आप? ऐसा क्या सब्जी वगैरह कोई अच्छी सी बनाया ना, पेट भी भरे है। की सब्जी खाओगे? जो तुम्हें बनाना नहीं आती वो ट्राई, पनीर के अलावा आपकी क्या फेवरेट सब्जी है ये बता दो। पाव भाजी ठीक है, पाव भाजी बना लेंगे। और एक वो बनती है पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पालक और दाल मिला के मम्मी बनाती है वो सब्जी, हाँ मुझे आती है, हरी वाली दाल डालते हैं शायद। हरी वाली दाल डालते हैं। आपको इतना नहीं पता है, किचन में इंसान घुसे पर इतना नहीं हाँ घुसते मतलब वो हैं, सब्जी का कलर हरा उसमें होता है चने की वो, दाल डालते हैं। हाँ तो वो बड़ी टेस्टी बनाती है मम्मी, वो ट्राई करना कभी तुम, मम्मी मुझे से बात आती है, कराऊंगा। मुझे आती है, मेरे अंदर अभी आती है तो इतने गट्स फिर, नहीं है कि मैं मम्मी से बात कर आती है तो सकूं। फिर मिलते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। समय मिलूंगी। तो यार दो दो चीज़ कैसे बना के लेके नहीं एक ही चीज़ आओगी? बनाया हो ना, हाँ तो आप एक चीज़ मुझे बता दो ना। पाव भाजी बना के आना इस बार। ओके ओके बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।